मैं तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री राम का दूत। नगरी थी अयोध्या की न जहां झूठा खौफ था, दशरथ की इस सीमा में न सत्य पे भी रोक था। पूरा था प्रताप उतरा थोड़ा चेहरा, क्योंकि कोई ना संतान थी, बस यही एक शोक था। यज्ञ किया राजा ने था पाने को संतान, आए चार पुत्र और सभी थे महान। गूंजे चारों ओर फिर खुल के शुभ गायन, राम की काया में थे स्वयं ही नारायण। पहुंचे जो किशोरता में गुरु ने पुकारा, खेलने की आयु में था तारका को मारा। विश्वामित्र के अध्यापन पे दोनों भाई तैरते, थोड़ा शाप अहिल्या का था केवल अपने पैर से। सीता का था स्वयंवर मिला ये पैगाम, श्री राम भी थे चले फिर छोड़ने को नाम। शिव धनुष था सामने और वीरों से थी सभा भरी, जोर लगा था सबका पर धनुष हिलाना जरा सभी। देख नजारा ये जनक का तीर जुबा से चला, तभी वीरों का अपमान दिल किसी का चला। तभी लक्ष्मण बोल उठे क्रोधित होके राजा को, रघुवंशी भी उपस्थित है घर, आपको अंदाजा हो। राम ने सज्जनता से फिर भाई को समझाया, विश्वामित्र से आदेश राम ने थपाया। हाथ जोड़े पहले फिर हाथ लगे धनुष पे, हरी सभा में राम ने था धनुष को उठाया। प्रत्यंचा एक छोर से वो दूसरे को ले जाते, टूट गया धनुष प्रत्यंचे को चढ़ाते। जनक की दुलारी अब पहुंची राम नाम तक, धनुष की शक्ति की गूंज पहुंचे परशुराम तक। पहुंचे परशुराम फैल गया था डर सा, एक हाथ में धनुष एक में था बरसा। टुकड़े देके धनुष के तो जैसे देखा घाव, आंखों में था रक्त और सांसों में था ताप। जिसने तोड़ा धनुष से जाएंगे मिटा के, अपराधी को वो मांगे अपने बस्से को दिखा के। सह न पाए लक्ष्मण सुन के उनकी बात, फिर बातों ही बातों में शुरू हुआ था संवाद। राम भी ये बोले मैं तो आपके ही पास हूँ, मेरा है अपराध मैं तो आपका ही दास हूँ। मिटाने को संदेह फिर आगे बढ़े राम, नारायण का अवतार हुआ जाने परशुराम। राम बनेंगे राजा थे ये सब जानते, मंथरा का दिल जल रहा था इसी बात से। रानी को भड़का बैठी वो अपनी चाल से, बात केवल एक थी अब रानी की जुबान पे। बात केवल एक थी अब रानी की जुबान पे। बात केवल एक थी अब रानी की जुबान पे। अधिकार जब भरत का है तो ताज भी दो उसको दो, रानी भी थी मांग बैठी वर मिले थे उसको जो। सुन के वर हिल चुका था राजा का जहान, जैसे मांगे ना हो वर मांग बैठी प्राण। राम ने कबूला सब रखी कुल की शान, प्राण चाहते हैं तो जाए पर ना वचन का सम्मान। बनवासी कपड़े धारण ना कोई राजभोग, 14 सालों का बनवास लिया राज का ना लोभ। प्रजा ने थी देखी ऐसी नियति की मार, सिया और भाई भी थे जाने को तैयार। अयोध्या से था चल पड़ा उनको लिए रथ, बहती आंखों ने था रोका उनका बार बार पथ। प्रजा ने थी सुनी अपने स्वामी की हर बात, राम बोले लौटेंगे अब 14 सालों बाद। राजा की इस पीड़ा का था बढ़ रहा आकार, बहती आंखों ने था याद किया श्रवण का शिकार। शाप माता पिता का था मिला उसको तब, सोच यही बात छोड़ा सांसों ने था जग। पंचवटी में था वास हुआ जगह से भी प्यार, मिलने आए जो भरत मिला बुरा समाचार। भीगी हुई आंखें और दिल में ना संतोष, पीड़ा थी विशाल रही थी जो नोच। मंजूर ना भरत को था राम बिना राज, रखी राम की निशानी सर पे जैसे सर का ताज। राम की निशानी सर पे जैसे सर का ताज। को लुभाने थी या इस रूप नका था, चढ़ा सर पे क्रोध जब न जादू चल सका। रावण की बहन की जो बाट टाल डाली, प्रहार करने तोड़ी तो फिर नाक काट डाली। खबर पहुंची लंका कोहरा में सछाया, मारी चोर रावण ने थी रची ऐसी माया। मारिच बना मृग और रावण बना साधु, बदले की थी स्थिति सारी रावण के ही काबू। मृग के पीछे राम दौड़े तीर छोड़ा जोर से, उनके स्वर में चीखा मृग सीता सहमी शोर से। लक्ष्मण को बोली क्या आवाज तुमको आई थी, आ गया है ये मेरी जाके खबर लो तुम भाई की। खींची लक्ष्मण रेखा और तोड़े उसी दिशा में, साधु बन के रावण बोला क्या मिलेगा भिक्षा में। भिक्षा देने पैर सिया के कुटिया को दे पागे, न पार हुई रेखा जब कदम बढ़ाए आगे। देख सिया को रावण बोला ये कैसा सम्मान है, बंदी भिक्षा मुझको देना साधु का अपमान है। ऐसी भारी बातों का जब हुआ था प्रहार, रखने को सम्मान कई रेखा थी वो पार। क्षण प्रतिशोध का रावण ने ही जीता था, लंका की वो ओर चला था हरण करके सीता का। आ गया जटायु युद्ध को वो पुकारे, क्रोधित होकर रावण ने थे पंख काट डाले। क्रोधित होकर रावण ने थे पंख काट डाले। लोटे दोनों पंचवटी देखी उजड़ी हालत फूलों की, सीता को तो हर लिया
ने बताया, नाम उसका रावण जिसने सीता को चुराया। निकले सीता की वो खोज में काफी परेशान, फिर मार्ग में मिले थे उन्हें प्रिय हनुमान। सुग्रीव के थे मुँह से थोड़ी खबर जानी, और साथ ही सुनी थी उस बाली की कहानी। गले लगा के राम ने थमाना उनको मित्र, वो पन लगे था किष्किंधा का सबसे सुंदर चित्र। राम की निशानी लिए खड़ा सीना तान के, सुग्रीव ने ललकारा था बाली को उसके स्थान पे। भीषण हुआ युद्ध, वैसे दोनों ही वो वीर थे तारा, लेकिन बाली को प्रभु ने अपने तीर से। कौन लांगेगा समंदर, बस बात यही अटकी। जामवंत ने बजरंगी को दिलवाई याद शक्ति। विशाल लेके काया हनुमान चले उड़, लेके खबर सीता की अब आएंगे वो मुड़। लंका में जो पैर रखा रहे थे वो सोच, कहाँ होगी माता सोच तेरी शुरू खोज। अशोक वाटिका में देखी सीता की परेशानी, दिया खुद का परिचय देके राम की निशानी। आपका हूँ सेवक, मुझे ऐसे ही पहचाने, आएंगे वो जल्द माता आपको ले जाने। लेके आशीर्वाद था कोहराम मचाया लंका में, रावण की उस नगरी में और लंका की उस जनता में। रावण आगे पेश किया उसको इंद्रजीत ने, बंदी बने वानर को तो बोले सारे ढीठ है। किष्किंधा का वानर हूँ, पवन का मैं भूत हूँ, बोले हनुमान मैं तो राम का ही दूत हूँ। मृत्यु दे दो उसको जो भी राम धुन गाता हो। विभीषण सुन के बात बोले अपने भ्राता को, राम का पैगाम माना इनके द्वारा सूचित है। दूत को मृत्यु देना बात पर अनुचित है। सुन के बात रावण बोला ये भी बात ठीक है, जला दो इसकी पूछ यही एक तरकीब है। तेल डाल पूछ पे आप तो लगा दी, जलानी क्या थी पूछ सारी लंका ही जला दी। जलानी क्या थी पूछ सारी लंका ही जला दी। हनुमान बोले प्रभु से वो लेती नाम राम का, माता का भी हाल वैसा जैसा यहाँ आपका। हासिल करके सीता को अब लेंगे वो भी राहत, न राम नाम से पत्थर डूबे ना किसी का साहस। युद्ध का तोरण भूमि में बच चुका था डग्गा, अब पानी पे थे पत्थर तेरे सेतु बनाता लंका तक। लंका से निकाला था विभीषण को भी रावण ने, राम ने था बोला उन्हें आपका भी स्वागत है। पहले भी लड़ाई को दिखाया सज्जन रूप, अंगद को बना के भेजा लंका शांति दूत। पैर जमा के अंगद बोला देख लेंगे जीता कौन, पैर मेरा हिल जो गया हार गया मैं सीता को। हिला ना पाया कोई पर सारे थे नाकाम, उसकी सूरत पे था गौरव और मुंह में राम नाम। एक ना थी सुनी रावण के गुमान ने, बोल दिया अंगद ने भी युद्ध का ऐलान है। कुंभकर्ण भी बन के आया वानरों का काल, भीषण हुआ युद्ध और पूरा हाहाकार। भयंकर उसकी हंसी गूंज रही थी कानों में, राम ने था तारा उसको पर अपने बाणों से। आया मेघनाथ फिर करके वो देवी की पूजा, बाण मार के दे दी थी लक्ष्मण को उसने मूर्छा। हारी हुई रात रुकी भाई की आवाज, संजीवनी थी इस मूर्छा का इलाज। हनुमान ने लगा दी राम नाम की दहाड़, बूटी छोड़ो ला बैठे वो सारा ही पहाड़। मूर्छा जैसे टूटी वो भड़के जैसे ज्वाला, पूछे कहाँ है वो प्राणी छल से चलने वाला। प्रिया में था यज्ञ उसका देवी के ठिकाने में, यज्ञ होता पूरा जो फिर मुश्किल थी हराने में। काटा उसका सर छूटा तीर जो कमान से, यज्ञ हुआ भंग और मरा वो भी जान से। खबर पहुंची लंका तो दिल में भी मलाल था, आंखों में थे आंसू और क्रोध से वो लाल था। करके शिव की स्तुति अब निकला वो मैदान को, लिए 10 सर था चुनौती देता राम को। राम छोड़े तीर माना खाली ना वो जाता, सर कटता एक और दूसरा आ जाता। विभीषण ने बताया ऐसे छोड़ेगा ना प्राण, ना भी महराज वहीं पे मारो बाण। ना भी पे राम ने था छोड़ा जो बाण को, रावण था पहचाना थे नारायण का अवतार वो। रावण ने भी माना होना यही था अंजाम, तो प्राणों को त्याग याद किया उसने राम को। मरता ना लंकेश गर होता ना गुमान, जो राम ने प्रणाम किया रावण के भी ज्ञान को। सत्य था विजेता ना जीत बस हमारी, 14 साल पूरे घर जाने की तैयारी। पुष्पक पे सवार बरसे आसमां से फूल, अयोध्या के हर घर में था बस दीपों का ही नूर। ना किसी से था गिला राम ने हाँ पाला, सर पे रखा ताज और राज को संभाला। चीर के सीना बोले सभा में हनुमान, जहाँ बसते मेरे राम यही है वो स्थान। जहाँ बसते मेरे राम यही है वो स्थान, जहाँ बसते मेरे राम यही है वो स्थान। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।